हेलो गाइस, मैं आपके लिए लाया हूँ ट्रिक नंबर 12, वाइंडिंग ऑफ पावमेंट फार्मूला इन हाईवे इंजीनियरिंग। इस फार्मूला से आप जेईई से डायरेक्ट फार्मूला पूछा जा रहा है। तो अभी WRD एग्जाम में इससे एक फार्मूला पूछा गया था, वाइंडिंग ऑफ पावमेंट फार्मूला का। तो ट्रिक बहुत सिंपल है, जिसको शुरू करते एक ट्रिक। वाइंडिंग ऑफ पावमेंट फार्मूला एक मैकेनिकल वाइंडिंग और साइकोलॉजिकल वाइंडिंग, दो वाइंडिंग से मिलकर बनती है वाइंडिंग ऑफ पावमेंट। तो वाइंडिंग ऑफ पावमेंट फार्मूला की ट्रिक बहुत ही सिंपल है। आपको वाइड इस वर्ड से रिलेट करना है क्रिकेट को, और क्रिकेट से रिलेट करना है वीरेंद्र सहवाग। जब आप वीरेंद्र सहवाग को रिलेट कर लेंगे तो आपको एक स्टोरी याद रखनी है कि वीरेंद्र सहवाग जब 95 पे खेल रहे थे तब मैच जीतने के लिए 2 रन चाहिए थे और उन्हें अपनी सेंचुरी के लिए 5 रन चाहिए थे। पर वीरेंद्र सहवाग जब 95 पे खेल रहे थे तब रूट भी एक बॉलर है इंग्लैंड का, तो उन्होंने एक वाइड बॉल डाल दिया। किसने? रूट ने एक वाइड बॉल डाल दिया, जिसकी वजह से 1 रन तो मिल गया, और बाद में उन्होंने 9 बॉल डाल दिया। तो 9 बॉल का जो है तो अलग, वीरेंद्र सहवाग रूट और 95 पे खेल रहे थे पर एक उन्होंने वाइड डाल दिया। इससे आप उसकी साइकोलॉजी समझो कि उसकी साइकोलॉजी कैसे। तो इससे आप साइकोलॉजिकल फार्मूला आपको याद रह जाएगा। फिर अब मैकेनिकल, उसने क्या किया, दूसरी बॉल पे 9 बॉल डाल दिया जिससे लेंथ ऊपर थी, मतलब एन हो गया उससे, और लेंथ ऊपर मतलब एल स्क्योर हो गया, और उससे क्या हो गया, वाइड और 9 बॉल से 2 रन दे दिए। तो इस तरह से वाइड और 9 बॉल डाल के उसने वीरेंद्र सहवाग के 95 पे जो थे उनकी सेंचुरी कंप्लीट नहीं होने दी और मैच को जिता दिया उनको। तो इस तरह से इस फार्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।